स्वागत है आज का इस वीडियो में। ट्वेल्थ मैथ एनसीईआरटी एक व दो अंक के हम प्रश्न बताने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके छोटे छोटे अंक से भी ज़्यादा मार्क्स बन सकते हैं। कौन से प्रश्न हैं हम आपको यहाँ पे बताना चाहते। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो एक अंक का प्रश्न है। ठीक, पहला प्रश्न आपके सामने जो है वो एक अंक का है, जो संबंधता फलन से लिया गया है। क्या है? यदि समुच्चय एस में द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचार्य तथा ए एस का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या बोला है, ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए। ठीक, ये बोला है तो इसके अनुसार हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पे बोला है एस में द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचार्य है, ये बोला है तो हम यहाँ पे मानेंगे। ठीक, माना कि एस द्विआधारी है, ये एस क्या है, एक्स द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ई तत्समक अवयव है। देखिए, मैंने यहां पे पहले ही मान लिया, इस मानने के अनुसार आपको करना पड़ेगा कि एस द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए क्या मैंने माना, ई कोई तत्समक अवयव मैंने मान लिया। तो इसके अनुसार देखिए, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए, और ये बराबर है किसके, ई के बराबर। देखिए, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स स्टार ए, ये दोनों ई के बराबर, क्योंकि मैंने मान लिया एस द्विआधारी संक्रिया के स्टार के लिए क्या है, ई कोई तत्समक अवयव है, ये मैंने मान लिया था। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब एक बार ले लेंगे ए इनवर्स स्टार ए। ठीक, ए इनवर्स स्टार ए लेंगे और एक बार ये लेंगे ए स्टार ए इनवर्स, ये भी क्या होगा, ई के बराबर। मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ए पहले है ए इनवर्स बाद में, और ए इनवर्स पहले है ए बाद में, तो दोनों मान ई मतलब तत्समक अवयव के बराबर हो रहा है। अब वही कंडीशन अगर चेंज कर देते हैं कि ये इधर है और ये इधर, तो भी तत्समक अवयव के बराबर हो रहा है। अगर ये दोनों तत्समक अवयव के बराबर हो रहा है आपस में, तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का प्रतिलोम, ए इनवर्स का प्रतिलोम क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक, अगर ए बनता है तो हम कह सकते हैं ए इनवर्स का प्रतिलोम, मतलब ए इनवर्स तो पहले से ही है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इतना ही करना है आपको, एक अंक आपको इतने पे दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, लॉग एक्स अपॉन एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए जब बोला है जीरो लेस देन एक्स लेस देन इनफाइनाइट, ये बोला है। ठीक, हमें उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। लिखेंगे हल लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसका उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए हम इसको बना लेते हैं, एक कोई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समीकरण एक मान लेते हैं, इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप पूरा लिखिएगा। तो ये देखिए अंश और ये हर, अंश और हर का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे हर, हर मीन्स एक्स, अंश का अवकलन वन अपॉन एक्स माइनस अंश लिखेंगे लॉग एक्स, हर का अवकलन वन अपॉन हर का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक, ये मैं मान लेता हूँ वाई बराबर, अगर ये वाई बराबर मैं क्वेश्चन मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये मैंने मान लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये इसको सॉल्व करना है, एक्स से एक्स कैंसिल, ये मिल जाएगा वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसका है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। इस तरह से मैंने पहले सॉल्व कर लिया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दो। आपको पता है जब अवकलन कर लेते हैं तो उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं, क्योंकि हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त हो सके। ये जीरो रखेंगे तो वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो बराबर वन माइनस लॉग एक्स, हम लॉग एक्स को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर वन। अब आपको पता है कि वन को लॉग के रूप में क्या लिखते हैं, तो लॉग इसको वन को लॉग ए लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमारा वन होता है। ठीक, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की मान हमें ई मिल जाएगा, एक्स का मान हमें ई मिल गया। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त करने के लिए जो हमारा समीकरण नंबर टू है डीवाई बाई डी एक्स, इसका पुनः अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण दो का पुनः अवकलन करने पर,
तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर। आते हैं इस साइड, देखिए यहाँ पे भी अंश हर है, तो अंश हर का यहाँ पे फिर से हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा हर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वन अपॉन एक्स, अंश का अवकलन हो गया, फिर करेंगे माइनस, अंश हमारा वन माइनस लॉग एक्स था, ये हो गया। हर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स बटे हर का वर्ग, तो एक्स के पावर फोर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा मिल जाएगा ऊपर ये टू लॉग एक्स माइनस थ्री, और नीचे बचा है एक्स के पावर थ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स 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 बचेगा इसमें भी एक्स दोनों को कॉमन करेंगे, कॉमन करके एक एक्स को कैंसिल कर देंगे। देखिए एक को काट देंगे एक बचेगा, एक को दोनों में से कॉमन करके इस एक्स से कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। ठीक, ये वैल्यू हो गया किसका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का। अब हमने जो x बराबर a निकाला, ये मान x के स्थान पे हम पुट करेंगे, जब हम पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 log e माइनस थ्री अपॉन e पावर 3। ठीक, इसके बाद ये हो जाएगा 2 इंटू log e बराबर 1, मैंने आपको बताया था 2 इंटू 1 और माइनस 3 अपॉन e पावर 3। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ पे हिंट करने वाला हूँ कि दो एक कम दो माइनस एक बटे ई पावर थ्री क्या आ जाएगा, माइनस एक बटे ई पावर थ्री आ जाएगा, और ये वैल्यू किसमें आ रहा है, ये वैल्यू ऋणात्मक में आ रहा है, तो ऋणात्मक में आ रहा है तो आप कह सकते हैं ये मान उच्चिष्ट है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स बराबर ई रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, चलिए इसके आगे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या वैल्यू मिला, माइनस वन अपॉन ई पावर 3 मिला, और हम x बराबर e रखे थे, तो y हमारा यहाँ पे क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक, y तो उच्चिष्ट होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के y में रखेंगे भी, तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा log e अपॉन e, और log e बराबर हमने 1 बताया था आपको अपॉन e, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो दो अंक के क्वेश्चन के लिए बताया गया है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका, अगर हम वन पर जोड़ लेते हैं घटा लेते हैं तो ये हमारा कैंसिल भी हो जाएगा, तो लिखेंगे वन जोड़ने व घटाने पर। ठीक, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, टोटल के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा डी एक्स। इसके बाद हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स करेंगे, फिर माइनस करते हैं वन अपॉन के एक बार ले लेते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इसके बाद ये तो हमारा कैंसिल, बचेगा डी एक्स, डी एक्स का समाकलन करते हैं तो आता है एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे ये चीजें मिल गया, अब प्लस सी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन अगर एक नंबर दो नंबर के देंगे तो आप आसानी से कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी कन्फ्यूजन हमें हमारे हिसाब से आपको नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।